हेलो वॉचर्स, तो आज की कहानी में आपको मिलेगा ढेर सारा एक्शन, जबरदस्त स्टोरी, ढेर सारा एडवेंचर और दो माल मेरा मतलब कि मालदार लोग है ये। तो आज की मूवी है द मम्मी रिटर्न। तो 5,000 साल पहले बिच्छू राजा, जो कि बेसिकली रॉक भैया है, सही पकड़े, चाहता था पूरी दुनिया जीतना, मगर हारना भी पड़ता यार, तो भेज दिया गया रेगिस्तान में। मरने से पहले रॉक बोलता है अनुबिस द देवता से, मुझे दुश्मनों को खत्म करना है, बदले में चाहे जो भी ले लो। तो अनुबिस इज लाइक, जा जी ले अपनी जिंदगी। अनुबिस देता है अपनी फौज और बूम, रॉक जीत जाता है। लेकिन अनुबिस वापस ले लेता है बिच्छू राजा की जान और सभी धूल बन के वहीं पर गिर जाते हैं। अब सीधा 5,000 साल टाइम ट्रेवल 1933 में, क्योंकि टाइम ट्रेवल की बहन की आँख। अब यहाँ एवलिन और रिक कर रहे होते हैं रिसर्च और मिलता है संदूक। अंदर होता है कंगन, मगर संदूक खोलते ही मैं पानी पानी हो गई। और बाय द वे ये इन्हीं का बेटा है एलेक्स। वाह, इधर मीला, अबे मीला मीला शीला नहीं, खुदवा के निकलवाती है एक गड़े मुर्दे को, क्योंकि वो होता है वही तांत्रिक इम्पोटेप, इसके पिछले जन्म का आशिक, जिसको राजा ने मरवा दिया था क्योंकि वो कर रहा था। लेकिन बदले में जादूगर ने भी राजा को मार दिया था। इधर कंगन को एलेक्सा पहन लेता है। आंटी जी जरा ध्यान रखा करो, लक्षण ठीक नहीं लग रहे नोटे के। जिसके बाद बूम, ये तो साला प्रोजेक्टर है, दिखाई देता है पिरामिड, क्योंकि यहीं पर वापस जीवित होगा बिच्छू राजा। हाँ हाँ, द रॉक। और कंगन भी एलेक्सा के हाथ में चिपक जाता है। तो साला हो नहीं था। आगे मीला के दोस्त कंगन लेने आ जाते हैं एवलिन के घर और उठा के ले जाते हैं संदूक और एवलिन को। तभी वहां पर आता है आदत बे और कहता है, बिच्छू राजा द रॉक लेने वाला है जन्म और इसीलिए उस कंगन को ढूंढना होगा। लेकिन बाबूजी टेंशन नहीं लेने का, कंगन तो मैंने पहन रखा है। अरे बेटवा एक हो गया, अब जब तुमने ये पानी लिया है तो बिच्छू राजा अब 7 दिनों में जिंदा हो जाएगा और पूरी दुनिया को तबाह करेगा, और उसको मारने वाला उसको पाताल पहुंचाएगा और करेगा दुनिया पे राज। इसीलिए मीला, जो कि पिछले जन्म में आइटम अनक 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 सुना मुन थी, कर रही है अपने आशिक को जिंदा। इधर तांत्रिक को जिंदा कर दिया जाता है और उठते ही वो ढूंढता है कंगन, बट सरप्राइज सरप्राइज, कंगन तो एलेक्सा के पास है। तो और क्या, फेंक दो लड़की को फायर में। मगर लड़की की ब्यूटी देखकर मैं तो छक गया सारा। लेकिन तभी होती है बेबी को एंट्री और या पुशु। और सब बाहर, जिसके बाद तांत्रिक जगाता है अपने लॉर्डो को और लेकिन एलेक्सा को ये लोग कर लेते हैं किडनैप और ले जाएंगे पिरामिड में, क्योंकि वहीं पर जागेगा बिच्छू राजा और कंगन की मदद से एलेक्सा ही बता सकता है बिच्छू राजा का पता। एलेक्सा देता है खूब एटीट्यूड, तो तांत्रिक कहता है, बेटा 7 दिनों बाद सिर्फ बिच्छू राजा ही नहीं जागेगा, बल्कि तुम्हारी मौत भी हो जाएगी अगर तुम इस लालटेन की मिट्टी खत्म होने से पहले नहीं पहुंचे। जिसके बाद रिक पहुंचता है पुराने पायलट के पास, जिसका नाम है कालू, उड़ाता है गुब्बारा बहुत खास, जिसके बाद उड़ते हुए आता है एवलिन को सपना, मिस्र था पिछले जन्म का घर अपना, वहीं पर उसने देखा था अपने बाप की मौत, जहां पर उसकी सौतेली माँ ने दिया था चोट। साला फोन तो पॉइंट है। बाय द वे मैं क्लियर कर दूं कि एवलिन पिछले जन्म में राजकुमारी थी और अनक सुनमिन की सौतेली बेटी थी। खैर दोनों मस्त माल, मेरा मतलब है कि मालदार लोग थे। अब आगे जहाँ जहाँ भी एलेक्स जाता है अपने पीछे छोड़ता है निशान, जिसे देख के रिक और एवलिन उसके पीछे पीछे पहुंच जाते हैं गुप्त पिरामिड तक। मगर ही का तांत्रिक चचा क्या कर रहा है, ओ इसकी माँ का, गजब पानी का आदमी वे, मतलब जादू और क्या, कालू कभी ताइने तो कभी बाएं, और अचानक पेट्रोल खत्म और वापस सभी मैं पानी पानी हो गई। आगे जंगल में हो जाती है रात। लेकिन गाइस, जब तांत्रिक हो साथ तो डरने की क्या बात, लेकिन ये कौन है बे, कोई चंपू लग रहा है, इसकी माँ का भागो। और सब के सब चंपू पड़ जाते हैं भारी, और क्या रिक और एवलिन भी इश्क्यों। और बचा के ले जाते हैं एलेक्स वा को, मगर उसको ले जाना होगा पिरामिड, वरना वो मारा जाएगा और पीछे पड़ी है चंपू की फौज। तो रिक उन सबको दे देता है एक लॉलीपॉप, जिसके लिए वो लोग झगड़ ही रहे थे कि बो सब के साथ 2 गज जमीन के नीचे साले वर्ल्ड कप की ट्रॉफी समझ रहे थे। रिक भाग कर जाता है और दिन होने से पहले पिरामिड में चला जाता है, जिसके बाद खुल जाता है कंगन, बच जाती है चांद और रिक कहता है, बेटा लड़कियों वाली आदत छोड़ दे। मैं छोड़ दूंगा पापा। गुड गुड,
लेकिन इधर तांत्रिक जगा देता है पिच्छू राजा को। हाँ हाँ द रॉक को। वेट अ मिनट, ये कौन है बे? द रॉक ही है ना, और रिक को तो उसे रोकना ही होगा क्योंकि फिल्म खत्म कैसे होगी यार, समझा करो। पिच्छू राजा आते ही लेने लगता है दोनों की खबर, लेकिन साला तांत्रिक तो स्मार्ट निकला बे। बाबूजी हम तो आपके नौकर हैं। ए साला है घुसपैठिया, मारना चाहता है आपको। इधर एवरिन भी मिला को कह रही होती, ए मिला भाई, पिछले जन्म में राड़ा की थी ना तू मेरे साथ, लेकिन अब छोड़ेगी नहीं भाई। ले या, शु, या, शु। इधर आर्डेद भी अनुबिस की सेना से लोहा ले रहा होता है। अबे मतलब लड़ रहा होता है, मुहावरा नहीं समझते क्या? आगे लड़ते हुए रिक टकराता है दीवार से, जहाँ पिक्चर होता है उसके टैटू का। ये क्या साला सेम, जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसके साले के पास एक हथियार जो कि है एक भाला, जिससे कि द रॉक को वापस खत्म किया जा सकता था। लेकिन साला तांत्रिक तो स्मार्ट है यार, बस सर पर बाल नहीं है। वो पकड़ लेता है भाले को और वापस मारता है बिच्छू राजा को। मगर 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 अपना हीरो भी कोई कम नहीं है, दो स्मार्ट है तो अपन ओवर स्मार्ट। वापस किया कैच भाले को और घुसा दिया। भोला बहुत हो गए तेरे पिछू पंती, अब जा नर्क में जहर उगल। बाहर भी अनुबिस की फौज खत्म हो जाती है और बन जाती है धूल, मगर वो पिरामिड बिलोंग करती थी बिच्छू राजा द रॉक से, इसीलिए वो भी चली जाएगी 2 गज जमीन के नीचे। और दोनों के एल लग जाते हैं, जिसके बाद तांत्रिक को मिलता है प्यार में धोखा और गाना गाते हुए चला जाता है पाताल में। इधर मीला को भी कीड़े खा जाते हैं क्योंकि तांत्रिक ने दिया था श्राप, तुझे तो कीड़े खाएंगे धोखे पास। वाह क्या बात है। आगे पहुंच जाते हैं सभी पिरामिड की चोटी पर और बस मरने वाले होते हैं कि ईका ये तो अपना कालू है, चढ़ा हो चढ़ा जल्दी करा। उसके बाद कालू को भी मिल जाता है किस और कहानी का हो जाता है द एंड। देखो गाइस, चाहे कितने भी जन्म ले लो मगर काम अच्छे करोगे तो सब अच्छा रहेगा। तो गाइस इसी के साथ बाय बाय टाटा बिरला महेंद्रा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना और ठोकना सब्सक्राइब डर्टी माइंड।